नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन के ग्राम कुंडाली में धूमधाम से निकाली शिव बारात, ग्राम सहित क्षेत्र के श्रद्धालु हुए सम्मिलित। महाशिवरात्रि के पावन महापर्व पर शनिवार को ग्राम कुंडाली में नवयुवक मंडल द्वारा शिव बारात की भव्य शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली गयी, जिसमें हजारों की संख्या में ग्राम सहित आसपास की महिलाएं पुरुष बच्चे सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम ग्राम कुंडाली स्थित खेड़ापति माता मंदिर पर पूजा अर्चना कर शिव बारात शोभा यात्रा आरंभ हुई, जो ग्राम के मुख्य बाजार हनुमान मंदिर कॉलोनी, श्री राम जानकी मंदिर पटेल मोहल्ला एवं ग्राम के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस मुख्य बाजार महादेव मंदिर पहुंची, जहां आयोजक मंडल द्वारा सभी बारातियों का फलाहार एवं स्वल्पाहार से स्वागत किया। शिव बारात शोभा यात्रा में देव तुल्य सजाई भगवान भोलेनाथ की झांकी का जगह जगह ग्राम के श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं शिव बारात शोभा यात्रा में बाहर से आए कलाकारों द्वारा सजाई भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, नंदी की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। शोभा यात्रा में डीजे पर बज रहे भोलेनाथ के भजनों पर नृत्य करते एवं जयकारे लगाते युवक एवं बच्चे चल रहे थे, जिसे क्षेत्र का वातावरण धन में लग रहा था। शिव बारात शोभा यात्रा में सिलवानी जनपद अध्यक्ष ठाकुर तरवर सिंह राजपूत, कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक देवेंद्र पटेल, जनपद सदस्य प्रतिनिधि मदन गोपाल वर्मा, जनपद सदस्य धीरज पटेल ने भी शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर भोलेनाथ की पूजा अर्चन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर लक्ष्मण लोधी, पंकज शर्मा, हरिसिंह लोधी, कैलाश मासाब, द्वारका लोधी, विश्वनाथ पटेल, सत्यम लोधी, जितेंद्र लोधी, विनोद दुबे, दीपक लोधी, शैलेंद्र लोधी, राम कुमार पटेल, अंकित लोधी, भाई साहब गोलारिया, हल्के भैया चौधरी, जितेंद्र चौधरी, सुभाष शर्मा, राजीव लोधी, महेश लोधी सहित बड़ी में समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। सिलवानी बहोरी से मदन वर्मा की रिपोर्ट।